नसरुल्लागंज के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत धौलपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का स्थान रिक्त हुआ था, जिसको लेकर महिला बाल विकास परियोजना के द्वारा विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसमें गांव की मनीषा धनवारे के द्वारा भी आवेदन किया गया था, जो कि ग्राम धौलपुर की मूल निवासी है। लेकिन मनीषा का चयन ना करते हुए अन्य बाहर की महिला का रिक्त स्थान पर चयन कर दिया गया। मनीषा का कहना है कि जिसका चयन किया गया है वह गांव में निवास नहीं करती और ना ही इसका कोई मूल निवासी भी है। 10 सालों में घर मकान बेचकर यहां से चले गए हैं, यहां पर कोई भी निवास नहीं करता है। वहीं मनीषा का कहना है कि जब मैं इसकी आपत्ति जमा करने के लिए महिला बाल विकास गई तो वहां पर मौजूद अधिकारियों ने मुझसे बदतमीजी की और मेरी आपत्ति लेने से मना कर दिया। इसके बाद मैं SDM के पास पहुंची और समस्या बताई। SDM महोदय के द्वारा साइन किए गए इसके बाद मेरी आपत्ति ली गई। मनीषा का कहना है कि जो गांव में निवास करता हो उसी का चयन किया जाए। नसरुल्लागंज से पवन माहेश्वरी की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम मनीषा धनवारे है। आज महिला बाल विकास में आई थी, क्या मामला है? सर, मैं वहाँ पे आपत्ति जमा करने आई थी। काहे की? वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की, जिसमें जिसकी नियुक्ति हुई है वो सामान्य में आती है ना, वो धौलपुर में निवास करती है, वो ना उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में निवासी का नरसुल्लागंज का लगाया है, आधार कार्ड भी नहीं लगा हुआ है उनका, किस आधार पर नियुक्ति हुई है। और 10 साल से उन्होंने धौलपुर से भी घर मकान सब बेच दिया हुआ है। वो सामान्य में आती है और जिसके बाद में मैं आपत्ति जमा करने गई, वहाँ पर अधिकारी ने मेरे से बदतमीजी से बात की और किस आधार पर तुम आपत्ति जमा कर रही हो ये भी बदतमीजी से बोला, और बोला है कि जेल करा दूंगा। कौन अधिकारी ने बोला आपसे? सर, परियोजना अधिकारी। नाम मालूम है उनका? सर नहीं। फिर को चौहान बोलते हैं। फिर जिसके बाद में उन्होंने मेरे को वहाँ से भगा दिया। फिर मैं SDM साहब के पास गई जनपद पंचायत में नरसुल्लागंज, वहाँ पे सर ने साइन करा, जिसके बाद में मेरी आपत्ति जमा हुई है, जिसके बाद भी उन्होंने बदतमीजी से बात की मेरे से। आप क्या चाहती हैं? सर, मैं चाहती हूँ कि मेरा नियुक्ति हो वहाँ पे और मेरे को पूरे मार्क्स मिले।